हेलो गाइस एंड मैं किट पाई। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वी के जो पैर में चोट थी ना, जिसके वजह से एक बार जो परमिशन क्विक डांस लाइव सॉन्ग चेक हुआ था, वहाँ पे उनको मना किया गया था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो परफॉर्मेंस में बस वी बैठे हुए थे एंड काफ़ी इमोशनल भी हुए थे। तो वी ने खुद से लाइव में बताया है कि अभी तक उनका पैर ठीक नहीं हुआ है। तो क्या कुछ बोला है वी ने एंड कैसे वी सफ़र कर रहे उस चीज़ को लेके, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आप हमें इंस्टा ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारे सेकंड चैनल वीडियोस हिंदी पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 नवंबर 2021 संडे वाले दिन जब परमिशन टू डांस लैगोस में हुआ था, तो उसके बाद बीटीएस के वी लाइव आए हुए थे एंड उन्होंने आर्मी से बहुत ही ज़्यादा बातें भी किए हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने उस लाइव की वीडियो अपनी यू नो बीटीएस हिंदी वाले चैनल पर अपलोड किया है एंड उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको अगर देखना है तो यू कैन वॉच, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके तो गाइस पता है लाइव के बीच में वी ने ये बोला था कि यू नो ही विल गो टू रिसीव हिज फिजिकल रिहैबिलिटेशन आफ्टर द लाइव, कि ना लाइव के बाद वो जाएंगे फिजिकल रिहैबिलिटेशन को यू नो रिसीव करने के लिए। मींस उनकी दवाइयां अभी भी चल रही है, उनका जो लैग था ना जिसमें यू नो पेन हुआ था ना, एंड जिसकी वजह से वी लास्ट टाइम परफॉर्म नहीं कर पाए थे परमिशन टू डांस लाइव में, तो वो अभी तक सही से ठीक नहीं हुआ है। यस वो ठीक नहीं हुआ है अभी तक। एंड गाइस जब यू नो 28 नवंबर को बीटीएस परफॉर्म कर रहे थे ना, तब वी ने इस चीज़ को वी लाइव पे शेयर किए थे कि ना जब लास्ट टाइम उन्होंने अपनी फीलिंग को शेयर की है कि लास्ट टाइम जब परमिशन टू डांस हुआ था एंड वो बैठे हुए थे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एंड आपने देखा ही होगा कि वी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे एंड बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को संभाले थे, उनकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू आ गए थे बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एंड इतना ही नहीं, वो व्यूवर्स पे जाके उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी अपनी आर्मी से, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा कि आर्मीज इतने यू नो एक्सपेंसिव टिकट को लेके जाती है एंड वो वी का परफॉर्मेंस नहीं देख पाई। तो आर्मीज ने वी को काफ़ी समझाया भी था कि इट्स ओके वी, आप वहाँ पे बैठे थे, आपने हम लोगों के लिए सिंगिंग किया एंड आप इस हालत में भी हम लोगों के लिए परफॉर्म की, ये बहुत ही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी वी के दिल में ये टेंशन था, ये यू नो गिल्ट था कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। तो वी ने इस चीज़ को भी वी लाइव पे शेयर किए कि लास्ट टाइम उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि जब वो बैठे हुए थे परफॉर्मेंस में, है ना। एंड साथ ही साथ वी ने इस चीज़ को भी शेयर किए कि इस बार भी डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि अभी जंप वंप नहीं करने के लिए, क्योंकि ना उनका लैग अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक जो आइडल होता है ना, उसका जो सॉन्ग होता है वो बिना जंप के कंप्लीट ही नहीं होता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो यस उन्होंने यू नो परमिशन टू डांस वाले, आपने देखा होगा सॉन्ग में यू नो डांस भी किए थे, जंप भी किए थे एंड सॉन्ग भी गाए थे। तो वो चाहते थे कि वो कैसे मतलब आर्मीज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवा सके, है ना। एंड गाइस साथ ही साथ वी ने एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट को शेयर किया कि जब वो यू नो परमिशन टू डांस में कॉन्सर्ट में यू नो परफॉर्म कर रहे थे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सभी आर्मीज़ ना मास्क लगाई हुई थी। एंड उन्होंने अपने डिज़ायर को भी शेयर किया कि वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो परफॉर्म कर रहे तो आर्मीज़ मास्क ना लगाए, बिकॉज उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आर्मीज़ उन लोगों के साथ वी के साथ एंड बीटीएस मेंबर्स के साथ गाना गा रही है साथ में या नहीं, है ना। तो इसलिए तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी वीडियो कैसी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।